हेलो नूरी, कौन? मैं शौर्य। कौन शौर्य? वो आपके ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ऑफिस वाला? हाँ। ओ वो चश्मेश? हाँ वो नहीं डेटाबेस में आपका नंबर देखा था तो सोचा फोन करके पूछ लूँ। क्या? नहीं वो अगर सोचा फोन करके पूछेगा लेकिन ये नहीं सोचा क्या पूछेगा? नहीं नहीं यार सोचा है। क्या सोचा चश्मेश? नहीं मैंने अच्छा आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या चश्मेश लोगों से? Hi, actually, I want to do friendship with you. क्या? शादी नहीं करेगा? नहीं 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 हाँ मतलब कर सकते हैं। पक्का? हेलो खाना पसंद है? आपको खाना पसंद है? हाँ? कौन सा खाना? अच्छा देख मैं 5 तक गिनूंगी, अगर तूने वो खाना बताया जो मुझे पसंद है तो तू मुझे डिनर पे ले जा सकता है, अगर नहीं तो तू मुझे दोबारा फोन मत करना। दो महीने में शादी है मेरी। अरेंज मैरिज। बाकी
कौन सी आवाज? ये कौन कर रही है? डरा रही हूँ मुझे. No, ऐसे नहीं होता. That's not how things work. मुझसे शादी कर. पागल है क्या? क्यों? कैसे? क्यों नहीं? मैरी. अच्छा, फिर यहाँ रहेंगे इस घर में? Of course not. शिफ्ट हो जाएंगे हम कहीं. मैं ले लूंगा कहीं नया घर. नया? Shaurya, हमारे पास पैसे नहीं है. यार, I'll arrange ना. I'll arrange for something. नहीं, ऐसे नहीं होता Shaurya. This is not some. हो जाएगा, प्लीज मैरी मी. मैं दो दिन में निकल रही हूँ. मैं दो दिन में निकल रही हूँ. मैं कल कर ले लूंगा ना. नो, वी कांट. नो, नो, टेल मी वन थिंग. डू यू लव मी? यस, आई डू. आई लव यू. दैट्स इट, दैट्स इट. बाकी सब हो जाएगा. आई लव यू. अभी हमारा घर होगा. वन बी एच के वन रूम चल रहा है. कुछ बजट तो ज्यादा नहीं है. अभी 15 के आसपास है. सैलरी मिलेगी तो थोड़ा कर लेंगे. प्लीज सर, थोड़ा ट्राई कीजिए ना. प्लीज थोड़ा प्लीज हेल्प कीजिए ना सर. सीरियसली 15,000 में तो कोई चांस ही नहीं है सर. क्या बात कर रहे हैं आप? थोड़ा बाद में कर देंगे, एक महीने सर. वन रूम किचन का बजट ही 20,000 है. 15,000 में कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? और वो भी इस एरिया में. आसपास कोई मिल जाए तो थोड़ा. सर पॉसिबल ही नहीं है. मैं कह रहा हूँ ना आपको, थोड़ा अर्जेंट है सर. और कुछ नहीं है. देखिए सर, अर्जेंट हो कुछ भी हो, पॉसिबल नहीं है सर. 15 सर, दो हफ्ते में सैलरी आएगी तब कुछ कर लेंगे सर. अभी दो हफ्ते बाद आ जाएगा ना. 15,000 में कैसे होगा? प्लीज सर, अर्जेंट है. आप थोड़ा हेल्प करेंगे? हम श्योर सर, आप करेंगे, हो जाएगा. अच्छा, चाहिए कब? आज चाहिए सर, शाम तक शिफ्ट होना. आज शिफ्ट होना? वही सर, थोड़ा अर्जेंट हो गया है सर. प्लीज प्लीज सर, सर आप. डिपॉजिट है आपके पास में? अभी नहीं है सर, बट वही सर, सैलरी आएगी तो तब तब कुछ कर लेंगे सर. Shaurya जी, डिपॉजिट आपके पास में है नहीं. 15,000 का बजट आप लेकर के चल रहे हैं. आज के आज आपको चाहिए सर. आप नहीं हो पाएगा. एक्चुअली मैं शादी कर रहा हूँ, इसलिए अर्जेंटली शिफ्ट तो मत कीजिए ना शादी. सर प्लीज, नहीं हो पाएगा. प्लीज थोड़ा हेल्प करें सर. हो जाएगा सर. मैं वेट सर.
भाई साहब वो फ्लैट चाहिए ना भाड़े का। हाँ मैं देता हूँ आपको कम लगा। किधर? इधर ही बड़ा बड़ा आओ ना सर, कोई टेंशन नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना वैसे फ्लैट में इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बिंदास रहो, 3 महीने तक कोई बोलने वाला नहीं। नया बना हुआ फ्लैट है ना? नया बना। हाँ सर, ये भी आ जाओ सर। चाचा थोड़ा कम सुनाई देता। बिल्डिंग इतनी खाली से कोई रहता नहीं? नहीं सर, 2 साल से तो बिल्डिंग बनकर तैयार है, बट वो कुछ लीज इसका चक्कर हो गया, उसी नहीं मिल पाई, तो कोर्ट में कुछ लफड़ा है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, अब आप रहो आराम से। नहीं जावेद भाई ना, उन्हीं का फ्लैट है, वो लेके रख दिया, कभी आते भी नहीं। हमें लोग कभी लंदन आते अपना खेल लेते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उनका जावेद भाई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई, वो कभी आते ही नहीं, मैं ही देखता हूँ सब कुछ। पर अपना बढ़िया मॉर्निंग में वो आ जाता है, अपना पानी भर लेना आप, और लाइट 24 घंटे, टीवी है, फ्रिज है, एसी है। प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना सर, कोई दिक्कत ही नहीं। ये अपना हॉल है, इधर से सन्नाटा अपना, ये टीवी हो गया, सर ये किचन है, इधर फ्रिज है, हीटर है, सब। सर अपना दूसरा ये बेडरूम है, उधर अटैच लैट्रिन बाथरूम है। सर दूसरा बाथरूम, सर वो लाइट ट्रिप हो गया, मतलब बाहर ठीक है क्या?
Listen. I'm coming. I'm on my way. Coming. Come on. Thank you.
Please. हेलो मुझे एक कोई चाबी या कुछ ऐसा कोई बनाने का नंबर चाहिए, हमारा दरवाजा अटक गया है। नहीं, मुझे कोई चाबी कोई लॉक बनाने वाले किसी का नंबर प्लीज आप भेजिए जल्दी, मैं उसमें अटक गया है, लॉक टूट गया लॉक। यस लॉक्समिथ या प्लीज आप मैसेज भी कीजिए उनको कॉल करने को, जल्दी आप थोड़ा लिसन। हेलो हम, मेरी बैटरी थोड़ी लो है, प्लीज थोड़ा जल्दी अर्जेंट भेज सकते हैं। मैं आपको नंबर भेज देता हूं मिस्टर शौर्या। थैंक यू। और एक खुशखबरी देना चाहूंगा मैं मिस्टर शौर्या आपको कि आप फ्री मूवी टिकट दे सकते हैं। लिसन जस्ट प्लीज सेंड द नंबर पास। थैंक यू। हेलो ये मुझे कोई चाबी बनाने वाले का नंबर सॉरी आप उसको भेज सकते हैं क्या, चाबी बनाने वाले को? आपको चाबी बनवानी है, ताला खुलना है? नहीं, मेरा ये लॉक अटक गया है, मैं अंदर से लॉक टूट गया है हमारा और चाबी बाहर आ गई है। अच्छा, चाबी बाहर आ गई है। हाँ, ताला तोड़ना पड़ेगा तो प्लीज आप किसी को भेज सकते हैं? आप किस एरिया में है? ये प्रभा देवी एरिया में, प्रभा देवी में सिद्धि विनायक। हेलो, हाँ ये सिद्धि विनायक। No. Hello!
Hello? Hello, Red Exit? Hello, Red Exit? Hello? Uncle? Hello? 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 Motwane! Hello? Hello, Motwane! Hello? Hello?
वॉचमैन Thank you.
दीजिए। Thank you.
भाई साहब ये स्वर्ग अपार्टमेंट है क्या है? ये स्वर्ग अपार्टमेंट है? हाँ। यहाँ कोई रहता है? कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता यहाँ पे? हमें 2 साल हो गए नौकरी करते हुए, इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। अब जाइए।
Of Homo sapiens is a truly remarkable event. And as we know from Charles Darwin, it's all about survival of the fittest. Now, what would I do if I was exploring the wilds and I'd run out of supplies? Say I was in the Sahara Desert or the Amazon rainforest or even trapped in a small room. What would I do for that vital source of nourishment? I'll tell you, a cockroach. Now, this little fella is packed full of protein. Not only that, it can survive for 1 month without food. You, my friend, you can't. So what do I suggest? I suggest taking this, putting it on the end of your tongue, and...
कभी नहीं खाया चिकन? नो, कभी नहीं. क्यों? बचपन से नहीं खाया कभी, घर में भी कोई नहीं खाता. क्यों? अगेंस्ट रिलीजन. बट आई हैव रिलीजियस फ्रेंड्स, वो तो खाते हैं नॉनवेज. या सो देयर बैड कर्मा, वो निकलेगा कभी. तो मेरा भी बैड कर्मा होगा क्योंकि मैं चिकन खा रही हूँ. नॉट सेइंग दैट. तुम तो यार नाइस गर्ल ना, अदरवाइज तो बैलेंस हो जाता है. And you're a bad guy, but तुम चिकन नहीं खाते तो बैलेंस हो जाता है. Are you one of those people जो you know beef ban, meat ban? Yeah, I think ठीक है. कैसे ठीक है? वो तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो मेरा चॉइस है ना कि मैं खाऊं या ना खाऊं.
तुम कौन होते हो बोलने वाले, बीफ मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत करो. Who are you to say that? Or you or anyone for that matter? Listen, मैं तो नहीं बोल रहा किसी को जाके. I'm just being honest. मुझे नहीं पसंद है तू. And it's wrong. Why? Why do you have to kill somebody? It's to not eat? Wrong. It's not wrong. देखा नहीं वाइल्ड में क्या होता है, जानवर जानवर को खा देता है. क्योंकि वो हम ही तो जानवर है. तुमने कभी देखा शेर को आलू बॉयल करके खाते हुए? वो नहीं खा सकता है. बट वी कैन ईट दिस. लेकिन ये भी खा सकते हैं ना. गलत है ना. कैसे गलत है? मार के खाना ये ठीक है? किसी को जान से मार के खाना. वो ठीक है बिल्कुल. तुम्हारे घर में मैं किसी को बोलूं कि मुझे अच्छा लगता है मैं मार के खा लूं, तुम कहोगे खा लो? He'll defend himself. हाँ वही तो. जस्ट बिकॉज दे कांट स्पीक, उनको मार दो, काटो. जस्ट बिकॉज इट्स यम, इट्स स्ट्रेंज टू एंड. जोक सुनो. एक बने से बहुत सारे चूहे इकट्ठे साथ में बैठे हुए थे, तो आपने सेक्सी सी एलिफेंट क्रॉस हुई. पता है तेजा चूहा क्या बोला? बोला थिंक देख 36,000 24,000 36,000. थैंक यू. जी चैट विद रैट में आप सबका स्वागत है. सुन रहे हो ना आप लोग? तुझे सुनाई दे रहा है? यहां किसी को सुनाई नहीं देता है. देख वॉचमैन, क्या प्लान है, क्या करना है? देखिए तो इस लाइफ में टूटेगा नहीं, फिर किसी भी कूद नहीं सकते. आवाज लगे तो कोई फायदा नहीं, सब बहरे नीचे, किसी को सुनाई नहीं देता है. और क्या पता सुनाई भी देता है तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है. बस एक ही ऑप्शन है, वो 30th फ्लोर पे बालकनी है ना, उसमें ग्रिल नहीं है. बाहर तक जाने के लिए पहले अपने ग्रिल को काटना पड़ेगा. अपने ग्रिल काटने के लिए क्या हमारे पास? पैन का ब्लेड है जो खुद ही कट जाएगा. ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, एसी का एक वो कटर टाइप है, अपना वो पैन है बस. बाई चांस उससे ग्रिल कट भी गई ना,
पांच फ्लोर तक नीचे जाना पड़ेगा बिना किसी हेल्प के। तो गलती से भी हाथ स्लिप हो गया ना एक बार तो सीधा वॉचमैन। इसकी कोई गारंटी नहीं कि उस फ्लोर का दरवाजा खुला होगा अगेन, वो भी एक चांस है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ तो दिन में पानी खत्म हो जाएगा, तेरा तो पता नहीं, तू तो किसी पाइप वाइप से निकल जाएगा, मैं ही मर जाऊंगा। नहीं मरना है मुझे, कुछ भी हो जाए इधर नहीं मरना है, बाहर जाना है यार, गर्म गर्म से पाव भाजी खानी है, से मक्खन तैर रहा है उस पे, चौपाटी में जाके नहाना है, गोला खाना है ठंडा ठंडा, ऐसे लोकल ट्रेन में फील्ड के बीच में खड़ा होना है एकदम, पसीने में बदबू में धक्के खानी है लोगों के, कंडक्टर के साथ अतफाई करनी है, लड़ाई करनी है। ऑफिस जाना है, नौकरी से मिलना है, शादी करनी, बहुत सारे छोटे छोटे नूरीज और शौकिया पैदा कर ले, मरना
know that when you look into an abyss, the abyss also looks into you. Well, what I say is, if an abyss looks at you funny, punch the abyss in the face. In this episode, we're exploring the Indonesian jungle. This really is the heart of darkness, where people fear the tread, and those that do never come back alive. In this jungle, we're going to find giant lizards, flies the size of my fist, alligators the size of buses, and birds the size of cars. Are you ready for that? Because let me tell you, what you don't know is going to get you killed. जैसे हे एहसास रातें सौगाते लगे Thank you.